रमजान के 30 रोजों के बाद मनाई जाने वाली ईद की सेवइयों का काफी महत्व होता है। ईद की सेवइयों के अलग अलग किस्मों को व ईद के जश्न को लेकर नन्हे ओम उपाध्याय ने एक ब्लॉग तैयार किया है, जिसमें नन्हे ओम ने अपनी जुबानी ईद की सेवइयों की किस्मों को शेयर किया है। वहीं इस्पात नगरी को मिनी इंडिया का दर्जा देते हुए ईद की मुबारकबाद दी है। पेश है ईद उल फित्र पर यह खास रिपोर्ट ओम की जुबानी, जिसने ईद उल फित्र और सेवई को लेकर ब्लॉग तैयार किया है। Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. और सबसे पहले हमारा जो भिलाई है वो है मिनी इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग सब फेस्टिवल्स को धूमधाम से सेलिब्रेट करके मनाते हैं। तो गाइस, अब जानते ही है 22 तारीख को ईद आ रहा है, तो मैं आपको पहले से ही ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं दे देता हूँ। और गाइस, ईद में तो सबसे ज़्यादा फेमस जो स्वीट रहता है उसको कहते हैं सेवई। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सेवई के स्टॉल्स लगे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए और आज हम लोग अलग अलग वेराइटी के सेवई देखेंगे। और सेवई तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मतलब स्वीट है और हमारे सबके मन में मिठास घोल देता है गाइस सेवई। ईद के मौके में गाइस हम लोग सबसे गले मिलते हैं, सबको खुशियाँ बांटते हैं, डांस करते हैं और बहुत ज़्यादा सबके मन में मीठा रस घोल देते हैं। तो आज हम लोग अलग अलग मतलब सेवई के स्टॉल्स जाएंगे और उसमें अलग अलग वेराइटीज़ की सेवई देखेंगे। इस आपको मैं इसका लोकेशन भी बता देता हूँ, सेक्टर 6 में जो जामा मस्जिद है उसके जस्ट बाजू में स्टॉल्स लगे हैं। और मैं आपको एक और अच्छा क्विक लोकेशन भी बता देता हूँ, ये देखिए पेट्रोल पम्प है और पेट्रोल पम्प के जस्ट फ्रंट में यहाँ पे पूरे लाइन से शॉप्स लगे हैं। ये देखिए गाइज, हम लोग फर्स्ट शॉप में आए हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ड्राई फ्रूट्स है पूरे, क्योंकि जो सेवई रहता है उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, उससे अलग ही फ्लेवर आता है उसमें। ये देखिए यहाँ पे छुआरा है, इस साइड पे किशमिश है और एक छोटे दाने वाला किशमिश है और एक बड़े दाने वाला किशमिश है। ये देखिए बहुत सारे अलग अलग है, इस साइड पे बादाम है, इस साइड पे लच्छा नारियल है, ये देखिए इस साइड पे काजू है, इस साइड पे बादाम है। और गाइस, जो सेवई रहता है उसको फ्लेवरिंग्स के लिए ये सब चीज़ों को ऐड किया जाता है उसमें। और सब भैया लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, देखिए कितने सारे अलग अलग वैरायटीज का सेवई है। ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको भैया, इसको क्या बोलते हैं? चिरौंजी। चिरौंजी, अच्छा चिरौंजी भी है, सेवई में चिरौंजी भी डाला जाता है गाइस, इसको बूंजी सेवई कहा जाता है। और अभी हम आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के सेवई दिखाएंगे। अच्छा, बूंजी सेवई के बारे में एक चीज बता दो कि जो बूंजी सेवई इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इसको कढ़ाई में थोड़ा भूंजते हैं, फिर इसको मिल्क में डाल के जो प्रोसेस स्टार्ट होता है फिर सेवई बनाया जाता है। इसको फेनी बोलते हैं, इसको डायरेक्ट रेडीमेड है, आप इसको डायरेक्ट बना के खा। वाओ, डायरेक्ट गाइस इसको बना के खा सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी रहता है, तैयार हो जाता है ना, ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। इसको फेनी बोलते हैं, बता दो ये दैट इज अ फेनी गाइस, इसको फेनी कहा जाता है। और ये व्हाट इज सेम ओके। और ये अलग अलग कलर्स का कैसे अलग अलग ओ फ्लेवर्स है ओके ठीक है। तो अब हाँ। तुम एक चीज बता दो, फेनी वाली सेवई है और गाइज ये बहुत ज्यादा इजी रहती है इसका प्रोसेस बनाने का। और आपको यहाँ पे एकदम अलग अलग कलर के चॉइसेस के मिल जाएगी, जैसे ये ब्राउन कलर है, ये वाइट कलर है और ऑरेंज कलर है, ये देखिए, और इस साइड पे है ग्रीन कलर। मतलब हम लोग मतलब जो दूध है उसमें मतलब ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे टाइप की जो रेनबो सेवई हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग सेवई लिए और सबको मिक्स कर दिए और रेनबो सेवई खाए। हम लोग एक और शॉप में आए और यहाँ पे पूरी भूंजी हुई सेवई पहले से ही है, तो इसको कढ़ाई में भूनने की जरूरत नहीं है, पहले से ही भूंजी हुई सेवई है और अलग अलग कलर्स की पूरी सेवई है। ये देखिए इस साइड पे ऑरेंज, येलो, रेड एंड वाइट एंड नॉर्मल जो ब्राउन कलर की मिलती है। भैया सेवई के बारे में कुछ खास बात आप बताइए। सेवैया हमारे यहाँ जो आती है बाहर की भी आती है, जहानाबाद का लच्छा है और अपना पंजाब का लच्छा है, इलाहाबाद का है, भूंजी सेवई आती है इलाहाबाद वगैरह से और भी कई जगह से अपने यहाँ आता है। और ये अपने यहाँ बनती भी है कुछ सेवैयाँ, तो कुछ सेवैयाँ आप दिखाना चाहेंगे जो बाहर से आप बता रहे हैं जी? ये देखिए, ये इलाहाबाद से आती है ये वाली, इलाहाबाद की है जी। ये जो छोटा वाला लच्छा है ये जहानाबाद का है, जहानाबाद बिहार। अच्छा, जहानाबाद बिहार से यूपी। और ये है पंजाब से आता है,
पंजाबी लच्छा बोलते हैं इसको। पंजाबी लच्छा है जी, ये भी खाने में बहुत टेस्टी होती है। बाकी और से सब ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर वगैरह आते हैं बाहर के, सऊदी अरब, दुबई। खजूर रहते हैं वो बाहर फॉरेन कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे, जैसे दुबई हो गया और ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये देखिए कितने सारे अलग अलग वैरायटीज़ के सेवई है। एक और शॉप आया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पेशल ड्रिंक्स है। तो स्पेशली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रोज़ शरबत, पाइन एप्पल क्रश, खस शरबत, रोज़ शरबत एक और वाला, और बटरस्कॉच फ्लेवर एप्पल क्रश और पाइन एप्पल क्रश। और यहाँ पे डेट्स की भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, ये देखिए। और इस साइड पे खजूर है, आप देख, नहीं सॉरी, छुआरा है इस साइड पे, कटिंग कटिंग, ये देखिए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो नारियल का जो चूरा रहता है, लच्छा नारियल का, वो यहाँ पे कलरफुल वाला भी अवेलेबल है। तो हम लोग जब सेवई खाएंगे तो हम लोग को एकदम मतलब फुल रेनबो सेवई बना सकते हैं। वाली जो शॉप है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लेबलिंग की गई है, मतलब जो भी सेवई है उसका जो प्रॉपर नाम यहाँ पे हमको लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पे कानपुरी हरी भरी, इस साइड पे है केसरिया, और ये देखिए कितना मस्त कलर है सब पे। और इस साइड पे है इलाहाबादी फेनी, और ये है सुपेला डबल फ्राई, मतलब जो भैया लोग सुपेला में ही रहते होंगे तो जो ये होम मेड सेवई है वो है ये। और इस साइड पे है कोहिनूर वाइट, और ये देखिए गाइस एकदम मतलब एक वाइट सेवई है ये। और इस साइड पे है नागपुरी ऑरेंज सेवई, और इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल येलो तो रहता ही है पर इस साइड पे लेमन येलो भी है कलर, ये देखिए। उस साइड पे है जहानाबादी सूजी मिक्स, और ये जो सेवई है स्पेशली सूजी की बनाई जाती है। अभी हम लोग भैया की शॉप में है और यहाँ पे सब चीज़ की मतलब वैरायटीज़ है, मतलब आपको सब चीज़ की अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाएगी, जैसे बिस्किट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं और डेट्स हैं। यहाँ पे आम रस भी दिया गया है यहाँ पर गाइस, कमल गट्टा है, चिरौंजी दाना है, नारियल के स्लाइसेस हैं। ये देखिए पूरे सब चीज़ों के यहाँ पे अच्छी सी वैरायटी है। तो अगर आपको पूरी वैरायटी चाहिए तो भैया के आप शॉप में आ सकते हैं। ये देखिए पूरी वैरायटी है यहाँ पे, कलरफुल सेवई भी अवेलेबल है। और स्पेशल चीज़ का आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो इंडियन फ्लैग है उसके कलर की हम लोग सेवई ले रहे हैं, एक ग्रीन, एक केसरिया कलर और एक इस साइड पे वाइट कलर। तो इंडिया वाले कलर की सेवई ले रहे हैं। सॉरी, अशोका चक्र का ब्लू वाले कलर का भी नहीं मिला है, पर ये जो तीन कलर्स है इसकी हम लोग सेवई ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा भिलाई है उसको मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करके मनाए जाते हैं और सबको खुशियाँ बांटी जाती है। और आप जानते हैं ईद बहुत ज़्यादा अच्छा फेस्टिवल है, इसमें हम सब लोग सेवई खाते हैं, खीर खाते हैं, और मतलब सबके मन में मिठास घोलते हैं, सबको खुशियाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं। तो आज हम लोग आए थे अलग अलग सेवई शॉप्स घूमने, और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग सेवईयों के बारे में नॉलेज गेन किया कि कुछ कुछ गाइस हमने डेट्स के बारे में भी जाना जो कि अलग फॉरेन से आते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा लगा। और मेरे को आज ये भी पता चला कि जो सेवई है वो इतने सारे कलर्स की भी आती है, वरना पहले हम लोग ऐसे सोचते थे कि गाइस सेवई सिर्फ ब्राउन कलर की आती है, हम लोग ऐसे कलरफुल नहीं खा सकते। तो पर आज हमने देखा कि हम लोग कलरफुल सेवई भी खा सकते हैं, मिक्स करके रेनबो सेवई भी बना सकते हैं, और उसमें कौन से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। तो अगर आपको गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो है बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।